जिला महिला चिकित्सालय में नर्सिंग डे के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनके श्रीवास्तव ने फ्लोरेंस नाइटेंगल के चित्र के समक्ष केक काटकर नर्सिंग डे मनाया। उन्होंने कहा कि नर्सिंग डे फ्लोरेंस नाइटेंगल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटेंगल एक ऐसी महिला थी जिन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया और बिना किसी भेदभाव के सबको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाया। उन्होंने कहा कि नर्सिंग डे के अवसर पर देश के सभी नर्स को नर्सिंग डे की शुभकामना देता हूं। उन्होंने कहा, जिस तरह से कोरोना में सभी नर्स ने अपने जीवन दांव पर लगाकर मरीजों की सेवा की, उसी तरह आगे भी वह मरीजों की सेवा करती रहेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नर्स अर्चना शुक्ला और जिला महिला चिकित्सालय के SIC डॉक्टर NK श्रीवास्तव ने कहा, अर्चना शुक्ला। नर्सिंग डे हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा अभिनव है। इससे हम लोग को बहुत सी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और हम लोग सोचते हैं इस चीज़ को आगे और बढ़ाएं और अच्छी तरह से इसको कायम रखें। ये फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन का मनाया जाता है। हाँ, इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छे मरीज के साथ अच्छे व्यवहार करें, मरीज के साथ अच्छे तरीके से ट्रीट करें, उनके साथ उनके ऐसा व्यवहार करें कि दोबारा वो इस अस्पताल में आना चाहें। मैं डॉक्टर NK श्रीवास्तव, सुपरिटेंडेंट इन चीफ महिला अस्पताल। देखिए, आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है, जो हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स इसको नर्सिंग डे के रूप में मनाती है और उनके जन्मदिन पर उन्होंने केक सेरेमनी की एक कट करके आज इस दिवस पे मैं अपनी तरफ से, अस्पताल परिवार की तरफ से, देश की सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को आज के दिन के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और एक उम्मीद के साथ कि जिस तरह से अभी तक इन्होंने जी जान लगा करके मरीजों की सेवा की है, आने वाले समय में भी इसी तरह और इससे बढ़ करके पूरा प्रयास इनका जारी रहेगा और अपने काम में सक्सेस प्राप्त होती रहेगी।